आज हम इस क्यूट से ट्विन ऑटर में फ्लाई करने वाले हैं फ्रॉम लखनऊ टू अलीगढ़। साथ ही साथ मैं देना चाहूंगा उत्तर प्रदेश के लोगों को एक खुशखबरी, तो यहाँ पे मेरे को बैगेज का 3500 एक्स्ट्रा पे करना पड़ा। आप इतना ज्यादा कैसे लूट रहे हो? एक्चुअली ये जो प्लेन है ना, इसको देख के मुझे धमाल मूवी की याद आ जाती है। दोस्तों ये है हमारे एयरक्राफ्ट के इंटीरियर्स, और एक ऐसा एयरक्राफ्ट जिसका कॉकपिट पूरा खुला हुआ है। इसमें जो है आपको बेसिकली हैंड फैन मिलता है जिसको आपको चलाते रहना, और इनका बोर्डिंग पास देख लो कुछ ऐसा है। तो यहाँ पे फ्लाई बिग की तरफ से एक छोटा सा स्नैक बॉक्स दिया गया है। अलीगढ़ के लोगों का सपना हुआ पूरा, अलीगढ़ में फाइनली उतर चुका है एक पैसेंजर एयरक्राफ्ट। देवियों सजो नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे फिर से एक बार। नवाबों के शहर लखनऊ से स्वागत करता हूँ आपका एक और नए व्लॉग में। मुस्कुराइए क्योंकि हम लखनऊ में हैं। गुड मॉर्निंग फ्रॉम चौधरी चरण सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट टर्मिनल नंबर 2। जब से मैं एविएशन व्लॉग्स बना रहा हूँ या नॉर्मल व्लॉग्स बना रहा हूँ, मेरा मन होता है कि आपको तरह तरह का वैरायटी दूँ। जैसे अगर बात करें सरकारी बसों की, तो मैंने ऑलमोस्ट 24 से 25 RTC कवर कर रखी हैं। एंड बात जब आए एविएशन व्लॉग्स पे, तो मेरा हमेशा ये कोशिश है कि मैं आपको कुछ ना कुछ नया दिखाऊं। वैसे ही एक नए और एक्सक्लूसिव व्लॉग में आपका स्वागत करता हूं। आज हम फ्लाई करेंगे एक बहुत ही नया एयरक्राफ्ट, जिस एयरक्राफ्ट के बारे में मैक्सिमम लोगों ने सुना नहीं होगा। आज हम फ्लाई कर रहे हैं फ्लाई बिग, ये नाम मे बी आपने सुना हो, खास करके अगर आप नॉर्थ ईस्ट से है ना, तो आपने ये नाम ज़रूर सुना होगा। आज हम फ्लाई करने वाले हैं फ्लाई बिग के डी हैविलैंड कनाडा ट्विन ओटर में। ये एक बिल्कुल नए तरह का एयरक्राफ्ट है हमारे लिए। दिस इज़ अ 19 सीटर एयरक्राफ्ट, एंड एक ऐसा एयरक्राफ्ट जिसका कॉकपिट पूरा खुला हुआ है, मतलब सामने से आपको दिखेगा कि पायलट कैसे टेक ऑफ लैंडिंग कर रहा है। साथ ही साथ मैं देना चाहूंगा उत्तर प्रदेश के लोगों को एक खुशखबरी। उत्तर प्रदेश में कुछ ऐसे छोटे छोटे एयरपोर्ट्स हैं जिनमें बस आज तक रनवे बना हुआ था, लोग बस रनवे को देखते ही थे। किसी ना किसी का सपना होता होगा कि उनके अपने गाँव में कभी फ्लाइट लैंड करता हुआ वो देखें। फाइनली कुछ कुछ गाँव के वो सपने पूरे हुए, एंड वो गाँव है आजमगढ़, अलीगढ़, सारस्वती, चित्रकूट। इनमें फ्लाई बिग ने अपने ऑपरेशंस चालू किए हैं एक छोटे एयरक्राफ्ट के साथ। देखिए छोटे गांव में, छोटे एयरपोर्ट में रनवे जो है छोटा है, तो कोई भी बड़ा एयरक्राफ्ट अगर ATR भी हम मान ले तो वो लैंड नहीं कर सकता। सो इसी तरह का नया एयरक्राफ्ट चाहिए इन सब चीज़ों के लिए। आज हम जा रहे हैं फ्रॉम लखनऊ टू अलीगढ़ बाई रोड। अगर आप जाएंगे तो 5 से 6 घंटे आपको लगेंगे, एंड अगर आप एकदम मजे लेना चाहते हैं तो आप ये दूरी तय कर सकते हैं सिर्फ 1 ही घंटे में इस वाले फ्लाइट में। सारी जानकारी आपको दिया जाएगा कि बुकिंग कैसे करना है, क्या फेयर रहता है, क्या टाइमिंग रहता है, किस किस दिन कहाँ कहाँ जाता है। जो फेलो एवगीक्स मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, उनके लिए रहेगा बिल्कुल एक नए एयरक्राफ्ट का रिव्यू। कैसा है ये एयरक्राफ्ट अंदर से, कैसा इसका इंजन साउंड है, सब कुछ बताऊंगा इस वाले व्लॉग में। ये वाला जो प्लेन है ना, एक्चुअली कई जगह पे सी प्लेन की तरह भी यूज़ होता है, तो बहुत ही मज़ेदार रहने वाली अपनी आज की वीडियो। एंड हम फ्लाई करेंगे लेस दैन 10,000 फीट पे, तो नीचे के जो आस पड़ोस के गाँव है ना, वो एकदम बढ़िया से देखेंगे ऊपर से। ये जो लखनऊ का एयरपोर्ट है ना, ये वैसे पुराना टर्मिनल है, मगर फिर भी ये मुझे बहुत ही ज्यादा शानदार लगा। यहाँ पे देखिए कितने बढ़िया इन्होंने पेड़ पौधे लगा रखे हैं। दूर वहाँ पे है चौधरी चरण सिंह जी का स्टैचू, साथ ही में है यहाँ का मेट्रो स्टेशन। अब आप एयरपोर्ट देख लो कितना अच्छा बना रखा है। फ्लाइट है हमारी सुबह 10 बजे, अभी जो टाइम है दैट इज 7:40 इन द मॉर्निंग। आई हैव जस्ट लैंडेड इन लखनऊ फ्रॉम कोलकाता, एक ऐसा शहर जो कि फूड हेवन है। वहाँ से मैं कभी भी नहीं चाहता कि यहाँ का जो बिरयानी कबाब वगैरह है वो बिना खाए यहाँ से जाऊँ। बता दूँ एक दिक्कत जो अभी मेरे साथ हुआ है, मैंने टिकट तो बढ़िया बुक कर लिया था, बट वहाँ पे लिखा नहीं था कि बैगेज अलाउंस वगैरह कितना है। मुझे लगा था कि चलो स्टैंडर्ड जो होता है वो होता होगा, 15 kgs ऑफ चेक इन लगेज, 7 kgs ऑफ कैबिन लगेज। फिर रात को कल एक मैसेज आया, कैबिन लगेज अलाउड इज ओनली 3 kilos एंड चेक इन लगेज अलाउड इज ओनली 7 kilos। तो वहाँ पे बिल्कुल मेरी फट गई, क्योंकि मेरे पास है 15 किलो का एक सूटकेस। अब देखिए जो लोग ट्रैवल करें नॉर्मली जस्ट मतलब घर जाने के लिए ऑफिस के काम से, उनके लिए ठीक है, लेकिन अब मैं वीडियो बनाने आया हूँ अपने लंबे ट्रिप पे हूँ, तो मुझे ना ही काफ़ी दिक्कत हो रही है। आई होप कि वो लोग इतना सारा सामान अलाउ कर दें, क्योंकि पर केजी का बहुत एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा। ऑल्सो बता दूं ये फ्लाइट जो है ना उड़ रही है उड़े देश के आम नागरिक यानी उड़ान स्कीम पे, तो इसके फेयर जो है वो बहुत सस्ते हैं। एक बार अपन एयरपोर्ट में अंदर चल जाते हैं, फिर सारा फेयर वगैरह मैं आपको बता देता हूँ। आ चुके हैं एयरपोर्ट के अंदर, एंड कुछ ऐसा है टर्मिनल।
टोटल आई गेस 20 या 23 24 चेक इन काउंटर्स हैं एंड एज एक्सपेक्टेड फ्लाई बिग का यहाँ पे काउंटर मुझे दिख नहीं रहा, बट ठीक है, चार्जिंग स्टेशन वगैरह या फिर वेटिंग एरिया वो सब है वहाँ पे, सारे कियोस्क है वहाँ पे, फूड स्टॉल्स हैं छोटे के अंदर ना, काफ़ी बढ़िया एयरपोर्ट लगा मुझे लखनऊ का। यहाँ पे ऐसा है कि मंडे वेनसडे फ्राइडे तीन दिन है, लखनऊ अलीगढ़ लखनऊ, लखनऊ आजमगढ़ लखनऊ, एंड बाकी तीन दिन है यानी ट्यूसडे थर्सडे और सैटरडे है लखनऊ सारस्वत लखनऊ एंड लखनऊ चित्रकूट लखनऊ। तो ये सेक्टर्स हैं, आप ध्यान रख लेना। ऑल राइट, अभी बज रहे हैं सुबह के 8:30। एज एक्सपेक्टेड जो लगेज अलाउंस है वो इसमें काफ़ी कम है दैन एनी अदर रेगुलर एयरलाइंस। कह रहे हैं कि 5600 पे करो, तो मैंने कहा कि मैनेजर को बुलाओ, बात करते हैं, क्योंकि मैं तो सिर्फ देखो आपकी वीडियो बनाने को आया हूँ। आई जस्ट होप कि ये जो नया एयरक्राफ्ट है इसको मैं आज एक्सपीरियंस कर पाऊँ। इनका जो लगेज अलाउंस है ना, दैट इज़ 7 kilos चेक इन लगेज एंड 3 kilos हैंड बैग। देखिए वैसे तो 3 kilos में क्या है, लेडीज़ का जो पर्स है वही आ सकता है, तो यहाँ पे मेरे को बैगेज का 3500 एक्स्ट्रा पे करना पड़ा। कायदे से मुझे 5600 करना पड़ रहा था क्योंकि मेरे पास 15 किलो का सूटकेस है, यानी 8 किलोज एक्स्ट्रा, बट हाथ पांव पढ़ के फाइनली 5 किलोज पे उतरे थे सर। चलो सर ने एक तरह से हेल्प ही किया, क्योंकि इतना पे मैं नहीं कर सकता, इतना मेरे कंटेंट से पैसा भी नहीं आएगा कि मैं इतना पे कर दूं। अब वो मुझे वीडियो बनाना है इसलिए मजबूरी है, वरना मेरे को तो अलीगढ़ से आगे दिल्ली जाना है, जो मैं यहाँ से भी चल सकता था। तो थैंक यू सो मच सर जो भी यहाँ पे थे, बट फ्लाई वीक को मैं बोलना चाहूँगा यार थोड़े रूल्स और सही करो, एटलीस्ट आपके जो पर केजी रेट से वो कम करो, क्योंकि वो है 700 रुपये पर किलो, बाकी एयरलाइंस में 400-500 यार, आप इतना ज़्यादा कैसे लूट रहे हो। उड़े देश के आम नागरिक स्कीम इसीलिए बनाए हैं ताकि पैसेंजर्स जो है ईजिली एक अफोर्डेबल कॉस्ट पे फ्लाई कर सके। देख लीजिए कुछ ऐसा है बोर्डिंग पास, यहाँ पे लिखा हुआ है नो लैबोरेटरी इन एयरक्राफ्ट। ये मेरा बैगेज टैग है, इनके पास स्टेपलर है नहीं, एंड ये मेरा पेमेंट रिसिप्ट। ऑल राइट, सिक्योरिटी चेक इज डन। जो चीज़ मुझे चुभ रहा है वो ये कि 2000 रुपये की फ़्लाइट की टिकट और 3500 रुपये का एक्स्ट्रा बैगेज, और वैसे जिस एयरक्राफ्ट में हम फ्लाई कर रहे हैं उसकी रेंज करीबन 1500 किलोमीटर्स है एंड इट कैन फ्लाई अप टू 170 नॉट्स, प्लस इसकी जो सर्विस सीलिंग है जहाँ तक ये जा सकती है डेट इज़ समवेयर अराउंड 10,000 feet, जो मैंने आपको शुरुआत में बताया। ये वैसे हमारा बोर्डिंग गेट है, गेट नंबर 1। बाकी जो एयरक्राफ्ट का एम्प्टी वेट है दैट इज समवेयर अराउंड 3600 किलोस, सो काफ़ी अपना लाइट एयरक्राफ्ट है। एक्चुअली ये जो प्लेन है ना, इसको देख के मुझे धमाल मूवी की याद आ जाती है, बमन उतार उतार। इसमें जो है आपको बेसिकली हैंड फैन मिलता है जिसको आपको चलाते रहना है क्योंकि गर्मी बहुत लगने वाली है। दूसरी बात, क्योंकि ऑब्वियसली एयरक्राफ्ट का थोड़ा कैपेसिटी कम है ना, इसलिए उनको लगेज कम रखना पड़ रहा है, मगर फिर भी एटलीस्ट बुकिंग के टाइम आप मेंशन करो। बुकिंग के टाइम पे कोई मेंशन नहीं है कि आपका लगेज इतना कम है, तो हम वही स्टैंडर्ड मान के चलते हैं। यहाँ पे रात को कल मैसेज आता है कि भाई आपका तो लगेज 7 किलो और 3 किलो है, तो ऑब्वियसली सबका जो है यहाँ पे घटेगा। मतलब ये तो जो उड़ान स्कीम है ना उसका एक तरह से धजिया उड़ाना है, बट यहाँ पे स्टाफ कुछ नहीं कर सकता क्योंकि उनको सारी SOPs फॉलो करनी है। वो जितना हेल्प कर सकते थे उन्होंने कर दिया, थैंक यू सो मच सर। फ्लाईबिक के बारे में पूछोगे तो इनका जो कोड है वो है S9, अपना फ्लाइट है S9315, एंड इनके पास ये जो ट्विन ऑर्डर है ना, टोटल 3 है, जो अभी एक यहाँ पे चल रही है UP में एंड बाकी 2 जो है और UK साइड चल रही है। और इनका बोर्डिंग पास देख लो कुछ ऐसा है। एयरक्राफ्ट के थोड़े और स्पेसिफिकेशन आपको बता देते हैं क्योंकि बोर्डिंग में अभी टाइम है। इसमें लगे हैं प्रैट एंड विटनी के PT6A इंजिन्स। इनका आवाज़ ना बहुत तेज़ आता है, मतलब फ्लाइट में तो आप मेरी आवाज़ तो सुन ही नहीं पाओगे, और आज तो माइक भी नहीं है, तो GoPro मैं यूज़ नहीं कर रहा, अपने iPhone से ही शूट कर रहा हूँ, आपको फ़र्क पता लग रहा होगा। वैसे ये हमारी ट्रैवलर है जिसमें हम एयरक्राफ्ट तक जाएंगे। वैसे दोस्तों यही है लखनऊ एयरपोर्ट का नया टर्मिनल, देख लीजिए बहुत एकदम फ्रेश लग रहा है, बहुत सारे एरोब्रिजेस लगे हुए हैं। आज हम इस क्यूट से ट्विन ऑटर में फ्लाई करने वाले हैं फ्रॉम लखनऊ टू अलीगढ़। दोस्तों ये है हमारे एयरक्राफ्ट के इंटीरियर्स, इसमें जो है आपको 2x1 के ऐसे सीट्स मिल जाते हैं, बट सीट्स आर कंफर्टेबल फॉर अ फ्लाइंग टाइम ऑफ 1 और 1.5 आवर्स। आज हम कवर करेंगे एरियल डिस्टेंस ऑफ 300 या 315 किलोमीटर, लगभग 1 से 1.5 घंटे तक का फ्लाइंग टाइम लगेगा। ये देख लीजिए, दिस इज अ टर्बोप्रॉप एयरक्राफ्ट, यहाँ पे है प्रैट एंड विटनी का इंजन। तो यहाँ पे फ्लाईबिक की तरफ से एक छोटा सा स्नैक बॉक्स दिया गया है, इसमें बेसिकली एक जो है ना चिप्स का पैकेट है, एक जो है फ्रूटी दे रखा है। सो नाइस ऑफ फ्लाईबिक फॉर प्रोवाइडिंग दिस। और यहाँ पे एयरलाइन लिटरेचर में है एक सिकनेस बैग एंड एक पैसेंजर ब्रीफिंग कार्ड। वैसे यहाँ पे ना एक रीडिंग लैंप और एक AC का वेंट दे रखा है हर सीट पे ही है बेसिकली। चलिए, वी हैव ऑलरेडी स्टार्टेड इंजन 2, अब मेरी आवाज आपको सीधे अलीगढ़ पहुंच के आएगी। और क्योंकि ये टर्बोप्रॉप एयरक्राफ्ट है ना, तो इन्होंने कुछ कॉटन बर्ड्स भी दिए कान में लगाने के लिए, साथ में एक वेट वाइप है एंड पास। सही में इन सब एमिनिटीज के बाद अब लगी रही कि उड़ान तो बड़ी है,
एनीवेज लेट्स डिपार्ट फ्रॉम लखनऊ। We had finally taken off from Lucknow and enjoy कर रहा हूँ बहुत ही बेहतरीन views। ये जो highway आप देख रहे हैं this is Agra Lucknow Expressway जिससे हमने बहुत बार travel किया है एंड ये उसी का एक टोल टैक्स है। जनरली लो कॉस्ट एयरलाइन में आपको पानी के अलावा कुछ नहीं मिलता बट चलो इन्होंने फ्रूटी दिया तो वो पी लेते हैं। एंड वी वर फ्लाइंग वेरी स्लो, लगभग वी वर फ्लाइंग एट 115 नॉट्स जो कि लगभग 220 किलोमीटर पर आवर होते हैं। यहाँ पे वी आर फ्लाइंग पास्ट मिर्ज़ापुर जो कि गंगा के लेफ्ट साइड में आपको दिख रहा होगा। एंड फ्लाइट ना यार काफ़ी बोरिंग हो रही थी क्योंकि फ्लाइट थोड़ी स्लो चल रही थी बट मैंने यूज़ किए इनके वेट पाइप जो कि काफ़ी बढ़िया थे। फिर मैं खाने लगा अपना फेवरेट लेज जो कि ग्रीन कलर वाला है। आप लोगों का फेवरेट कौन सा है कमेंट में बताएगा ज़रूर। चलिए गाइस टाइम इज 11:40 आफ्टर फ्लाइंग टाइम ऑफ 1 hour and 25 minutes वी आर फाइनली इन अलीगढ़। अलीगढ़ वैसे तो सिर्फ फ्लाइंग के लिए यूज़ होता था, जो फ्लाइंग स्कूल्स यहाँ पे तो उनके फ्लाइंग के लिए,
मगर फाइनली पैसेंजर एयरक्राफ्ट इज हेयर। सो जो लोग भी सपना देखते थे कि अलीगढ़ एयरपोर्ट से फ्लाइट उड़े, उनका सपना अब पूरा हो चुका है। बाकी वी लैंडेड इन रनवे 29 हेयर। अब बस हम डीप्लेन करेंगे, छोटा सा एयरक्राफ्ट है, बस आई गेस छोटे एयरक्राफ्ट के पार्किंग के लिए जगह है बस। अलीगढ़ में फाइनली उतर चुका है एक पैसेंजर एयरक्राफ्ट, दिस इज फ्लाईबिग्स ट्विन ओटर। बहुत ही प्यारा एयरक्राफ्ट है यार। सो यहाँ पे है ये बैगेज क्लेम, सूटकेस पड़ा है मेरा। यानी यहाँ पे देख लो, फाइनली जिन लोगों का सपना था कि अलीगढ़ में कभी प्लेन उतरेगा, उनका सपना पूरा हो चुका है। यहाँ पे वैसे दो दो फ्लाइंग स्कूल्स हैं अलीगढ़ में, तो इन्हीं का मेनली जो फ्लाइंग वगैरह है वो होता रहता है। एक है चेतक एविएशन, दूसरा मुझे आइडिया नहीं है, बट एयरपोर्ट अच्छा एकदम, मतलब बगीचे बगीचे बना रखे हैं, तो काफ़ी अच्छा लगा यहाँ पे आके। उम्मीद करता हूँ फ्यूचर में और भी फ्लाइट्स यहाँ पे आएँ। एक चीज़ है कि जब भी मैं ऐसे एयरपोर्ट्स पे आया हूँ जो थोड़े रिमोट लोकेशन पे है, एयरपोर्ट के बाहर आके मुझे कुछ भी नहीं मिला। जीरो में ऐसा हुआ, तवंग में ऐसा हुआ, यहाँ पे ऐसा हुआ, जमशेदपुर में ऐसा हुआ, और आगे पता नहीं और कहाँ कहाँ क्या क्या होने वाला है। सबसे मेन चीज़ आप लोग पूछोगे इसकी बुकिंग कैसे करनी है, फ्लाईबिग का अपना वेबसाइट है, यहाँ पे मैं वेबसाइट का नाम दे दूंगा। दूसरी बात है, आप इसकी बुकिंग पेटीएम पे भी कर सकते हैं। मुझे एक्चुअली पता नहीं लग रहा, मुझे तो लगता था कि उड़ान स्कीम पे जो फेयर्स है वो फिक्स्ड फेयर्स रहते हैं, बट अभी आइडिया नहीं मुझे इस चीज़ का। मेरे हिसाब से इस रूट का ना 2000 है, अगर आप लखनऊ से आजमगढ़ जाते हैं तो 3000 है, ऐसे ऐसे है। अलीगढ़ के लोगों का सपना हुआ पूरा, फाइनली अलीगढ़ एयरपोर्ट से अब आपको फ्लाइट्स मिल जाएंगी। बाकी जगह के अभी तो नहीं है, बट मे बी इन फ्यूचर इनकी अगर फ्लीट बढ़े तो ये शायद दिल्ली या किसी और साइड की चालू करें। दिल्ली तो मे बी पॉसिबल नहीं, क्योंकि बाई ट्रेन आई थिंक 3 घंटे में पहुंच जाते हैं, तो आई डोंट थिंक सो कि फीजिबल होगा। तो चलिए, जो एयरक्राफ्ट है वो फाइनली टेक ऑफ कर गया। अगर एयरक्राफ्ट दूसरी तरह से टेक ऑफ करता ना, मतलब रनवे 11 से, तो एक अच्छा शॉट आता। उसी के लिए मैं 20-25 मिनट यहाँ पे धूप में खड़ा रहा, बट नेवर माइंड, कोई दिक्कत नहीं। अब एक्टिव रनवे जो है वो है। व्हेन एवरीथिंग गोज अगेंस्ट योर लाइफ, रिमेंबर एन एयरक्राफ्ट टेक्स ऑफ अगेंस्ट द विंड, नॉट विथ इट। तो फेयर है 2100 रुपये, साथ में 300 रुपये कन्वीनियंस फी, 2400 रुपये कुछ पेटीएम पे डिस्काउंट होगा तो वो मुझे पता नहीं, और साथ में मुझे लग गए हैं 3500 रुपये अपने सूटकेस के लिए। अब तो ऐसा मन कर रहा है सूटकेस को फेंक दूंगा ही, इतना नुकसान करा दिया आज मेरा। जो भी है, आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कमेंट करना, इसी से मैं खुश हो जाऊंगा। सो 6000 रुपये लग गए मुझे लखनऊ से अलीगढ़ आने में, जो कि अगर शायद मैं कैब करके आता तो भी यही प्राइस रहता। अभी यहाँ पे एयरपोर्ट के सामने वाले एक चौक पे आ गया हूँ। यहाँ से अलीगढ़ है लगभग 18-20 किलोमीटर, कुछ तो बस मिल ही जाएगा। मैं भी हाथ देके देखना पड़ेगा मिलता है कि नहीं। अच्छा जी, फिर मैं आ चुका हूँ यहाँ पे अलीगढ़ जंक्शन के पास। मेरी ट्रेन शाम को 6 बजे की है, 6 बजे मैं ट्रेन लेके जाऊँगा पंजाब। जब जाऊँगा तब कुछ स्पेशल व्लॉग ही आपके लिए रहेगा। यहाँ तक मैं आ गया था ऑटो से, शेयर में वैसे 20-30 रुपये लग रहे थे, मैंने 40 ही दिए, खुले थे नहीं मेरे पास। अगर बात करें फ्लाईबिग के बारे में, तो उनकी जो हॉस्पिटैलिटी थी ना वो बहुत बढ़िया थी, मतलब चिप्स दिए, फ्रूटी दिए, ये सब तो ना दे तो भी चल जाता है। फिर पास दिया, वो वेट वाइप दिया, वो ना रुई के बर्ड्स वर्ड्स ये सब ना दे तो भी चल जाते, मगर उन्होंने दिए, उन्होंने पैसेंजर्स की चिंता करी, ये सब अच्छा है। मुझे सब कुछ अच्छा लगा वो लगेज पॉलिसी के अलावा। अगर लगेज पॉलिसी ऐसा है भी तो पर किलो मैक्सिमम 300 या ऐसा रुपये, 700 रुपये इज नोवेयर, मतलब उससे मेरा दिमाग हट गया बस। नहीं तो फ्लाईबिग की आज बिल्कुल ही बदनामी नहीं करना चाह रहा था मैं। जो भी है, आज का ये व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। कॉकपिट वीडियोग्राफी अलाउड नहीं है, मगर आप अगर आते हैं तो आप बढ़िया से जो है मस्त आके देख सकते हैं कि पायलट्स कैसे उसको चला रहे हैं, रनवे वगैरह देख सकते हैं एकदम बढ़िया से। सेकेंड थर्ड रो में आप सीट ज़रूर ले लेना। सो बस आज के व्लॉग के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले व्लॉग में। अगला वाला व्लॉग भी एविएशन कंटेंट ही होगा, मिलते हैं फिर उस वाले ब्लॉग में। तब तक अपने और अपने परिवार का ध्यान रखें, याद रखें, तूफान आंधी बरसात हर मंगल शुक्र है आपके साथ।